कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में चल रहे 11वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। आज इसका समापन हो गया है और समापन की बेला पर मशहूर गायक हम दिल दे चुके सनम फेम टाइटल सॉन्ग गाने वाले सलामत खान यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी पिक्चरों में इन्होंने गाना गाया है, देवदास, भगत सिंह, बेमिसाल, शक्ति और इश्क टुडे, शहीद, बहुत सारी पिक्चर में इन्होंने गाना गाया। उनके साथ में हैं लाइन प्रोड्यूसर जो राजस्थान में बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने बनाई, बजरंगी भाईजान, खूबसूरत, तेवर, करण अर्जुन, किक, अजनबी। उनके साथ में मॉडल हैं यहाँ पर महिमा गौड़ जो मिस इंडिया टीन रही हैं, और उनके साथ में है आरजे विक्रम रेडियो सिटी से, बिल्कुल सामने हमारे दाढ़ी में ये बैठे हुए हैं। उसके बाद सलामत खान हैं, जगदीश गांधी हैं, उसके बाद अमित मिश्रा हैं और सबसे अंत में महिमा गौड़ बैठी हुई हैं। तो इन लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो लखनऊ में चल रहा था इसका आज इन्होंने समापन किया। और हमने बड़ी फरमाइश करके नेशनल वॉच की तरफ से सलामत खान जी से उनके दो गाने भी सुने, क्योंकि हम दिल दे चुके सनम का जो टाइटल सॉन्ग है वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उसके साथ साथ सभी सेलिब्रिटीज़ से बातचीत करके आज इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का समापन हुआ। आइए बात करते हैं। मैं इस फेस्टिवल में करीबन 7-8 साल पहले आया था जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। गांधी जी का फेस्टिवल मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फेस्टिवल मानता हूँ। मैं नेशनल, इंटरनेशनल, ऑल ओवर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल्स में गया हूँ, लेकिन जो प्यार, सम्मान और जो एनवायरनमेंट, आज जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम देखा, बच्चों का जो यूनिटी का प्रोग्राम देखा, काबिल तारीफ है। मतलब शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि क्या। तो गांधी जी जो बच्चों के लिए कर रहे हैं और कितना, मतलब आप ये देखिए कि मतलब सेवा है ये सेवा है। दिस इज नॉट एनी प्रॉफिट और एनीथिंग, ये सिर्फ टैलेंट को आगे लाने का काम है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये फेस्टिवल आगे और बढ़ता रहे, 11वां एडिशन की जगह 111वां एडिशन आए। हम नहीं रहे लेकिन फेस्टिवल जरूर रहे, यही है। और मैं गांधी सर का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट करा, इस काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच आकर यहाँ पे आप लोग के सामने बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर, शी इज सिटिंग राइट देयर बैक। Whatever I am today and whatever I will be in future will be just because of my mother. She fought with the society, she fought with the family to raise me up in this industry, and she is still struggling for me to give me all what I can do to make my individual and a unique name in our industry, Bollywood industry. Thank you, ma'am. Thank you so much. I student thi same ladies mein. Ek common se bachche ki tarah festival dekhne aur kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ki as a celebrity guest yahan baithi hongi. So all thanks to Gandhi sir. Thank you so much Gandhi sir is honor ke liye, samman ke liye. Main aapko batana chahunga ki एक्टर्स फेटर्निटी के का होने के साथ साथ मैं आपकी फेटर्निटी से भी हूँ, क्योंकि ये मेरी शुरुआत ही मीडिया लाइन से हुई है। मैं भी दैनिक जागरण में शुरुआत की थी एज अ रिपोर्टर, दैन मैं मीडिया में चला, इंटरटेनमेंट में चला गया, मैं रेडियो में आ गया, रेडियो जॉकी बन गया। तो मेरा रेडियो करियर अभी कुछ 11 साल का हो गया है। प्रीवियसली सर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन उस वक्त मैं आप लोग के साथ बैठा करता था। आज इत्तेफाक है कि मैं इधर बैठा हूँ, आप लोग मुझसे बात करने वाले, तो अच्छा लग रहा है। इतने सालों में मैं जितना भी मैंने ग्रो किया है तो उससे खुशी मिलती है, और ये जो सम्मान मिला है बहुत अच्छी बात है। और ये जिस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ये बच्चों को, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक सीख मिलती है, कुछ नया कुछ जानने को मिलता है। वो सब कुछ जो उनके आसपास हो रहा है शायद वो कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते, तो इस फिल्म फेस्टिवल के जरिए उन्हें एक ज्ञान मिल पाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा कि आगे ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मैं तो सभी दिल के करीब होते हैं। मैं ये है कि मेरे हम दिल दे चुके सनम जो मेरा टाइटल सॉन्ग था, और आप सबका प्यार मिला, फुल जनता का मुझे प्यार मिला, मेरी पहचान बनी उसी गीत से। बिल्कुल सुनाऊंगा सर। पहले तो मैं दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी का मैं शुक्रगुजार हूँ
जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया, उसके बाद संजय लीला भंसाली, इस्माइल दरबार जी का, जो उन्हीं की फिल्म का गीत मेरा पहला गीत था, एक कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ गाया था। हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम ओ हो, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम तेरी कसम। इस फिल्म के लिए गान गवाए थे गाने, और आनंद राज जी का म्यूजिक था जी। दो लाइनें सुना देता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सलामत जी, एक सवाल है कि आज आप बच्चों के फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं, और इस समय बच्चे सिंगिंग में बहुत आगे हैं और तरह तरीके के टैलेंट शो हो रहे हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो रियाज करें, क्या क्या तैयारी करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो वो अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई के साथ रियाज करें, अच्छे से गुरु से सीखें, और अच्छे गाने सुनें, अच्छे सिंगर्स को सुनें, और खूब मन लगा के दिल से मन से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सिंगर बनो तो उनके माँ बाप के सब फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड जो रहे, दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी, लक्ष्मण प्यारेलाल जी, संजय दत्त, अजय देवगन, बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, अमिताभ बच्चन के साथ मैं अमेरिका अनफॉर्गेटेबल टूर पे था, माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान जी के साथ में था, और सब स्टारों के लिए मुझे गाने का मौका मिला, और उनके साथ बैठने का, काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उधर है आज छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे भी पुराने गाने गा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिल से काम करके गए, वो लोग बहुत मन से। आज के गाने भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर माहौल जैसा दौर, जैसा अभी माहौल वैसा है, तो वैसे अगर वो पुराने अगर अब गाने आएंगे तो शायद नहीं इतना वो हो पाएंगे, मगर आज का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से वो गाने चल रहे हैं। लाजवाब आपका सफ़र रहा, और सलमान के साथ काफ़ी कुछ आपने किया है, और एक से एक इनोवेटिव चीज़ें लेकर के आप आए हैं, तो इस समय क्या चल रहा है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मैं बेसिकली मैंने मेरे करियर शुरू किया था चिल्ड्रन फिल्म डायरेक्टर के लिए। मैं तकरीबन 12 से ज़्यादा फिल्में बना चुका हूँ बच्चों के ऊपर ही, जो देश तथा विदेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सब जगह प्रदर्शित की गई है, और 3 मुझे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं एज ए बेस्ट डायरेक्टर। इसके अलावा मैंने स्वच्छ भारत अभियान पर फिल्म बनाई थी, जो भारत सरकार की तरफ से मुझे एक्सीलेंसी सर्टिफिकेट दिया गया था, 3 मिनट की वो फिल्म थी, जिसमें 2 बच्चों को लिया था मैंने, एक बच्ची 6 साल की थी, एक बच्ची 2 साल की थी। 2 साल की बच्ची ने इतना कमाल का अभिनय किया कि मैं बता नहीं सकता, कि वो एक्टिंग तो जानती नहीं थी, लेकिन उसने जो भी किया वो नेचुरल किया। इसके अलावा राजस्थान में जो फिल्में शूटिंग होती है, हम लोग लाइव प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग वहाँ शूट का पूरा काम देते हैं। मेरे इंस्पिरेशन रहे सलमान खान बचपन से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक होता, पहले अमित जी थे, बाद में जब थोड़ा बड़े होने लगे तो सलमान खान जी का, तो स्टार्टिंग जो हुई वो करण अर्जुन फिल्म थी, जो सबसे पहले उनकी राजस्थान में शूट हुई थी। उसके बाद में कंटिन्यू उनकी फिल्में आती गई, तुमको ना भूल पाएंगे, औजार, वीर, और रिसेंटली बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग हुई वो जो पाकिस्तान, आपने देखी होगी, सबने फिल्म देखी होगी, पाकिस्तान का जो पूरा पार्ट था वो राजस्थान में एक गाँव है मंडावा, उसमें पूरा शूट हुआ था। तो हर्षाली मल्होत्रा के साथ भी काम किया, बड़ा अच्छा लगा, वो बच्ची फिल्म में गूंगी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बट जब कैमरा चालू होता था तो उसकी एक्टिंग इतनी लाजवाब थी, वो बच्ची फिल्म की मेन जो जान हीरो, हाँ वही, वो बच्ची थी जी। उसके अलावा प्रेम रत्न बायो भी खेली उदयपुर में, और अभी मेरी 3 शॉर्ट फिल्में हैं जो आने वाली है। मेरी फिल्म है चाइल्ड लेबर पे, ये आजकल जो बच्चों को मतलब काम करवाते हैं ना, मतलब
पढ़ने नहीं भेजते, स्कूल नहीं भेजते, काम करवा रहे हैं उनको, डायरेक्ट भी आप ही कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद ही, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, डायरेक्शन भी मैं खुद ही करता हूँ। और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस का नाम अबू शर्मा प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड है, और मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाता हूँ। दूसरी जो फिल्म है वो आने वाली है, वो है किसान आत्महत्या। आजकल महाराष्ट्र में जैसे आप देखते हैं जो आपकी खेती अच्छी है, मतलब फर्टाइल है, वो आ रही है किसान आत्महत्या। और थर्ड फिल्म है जिसकी शूट कम्प्लीट हो चुकी है, चाइल्ड, ये बच्चों के ऊपर जो ये आजकल जो शोषण हो रहा है ना, मतलब ये रेप विक्टिम, मतलब 5 साल 3 साल 2 महीना 6 महीना, ये फिल्म ये कम्प्लीट हो चुकी है, बस एडिटिंग वगैरह ये सब। इसके अलावा मैंने हॉलीवुड की फिल्म में भी एज ए कैरेक्टर रोल किए हैं। अच्छा, स्लमडॉग मिलियनेयर एक फिल्म आई थी, उसके एक्टर थे देव पटेल, ऑस्कर अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को। उसी एक्टर की फिल्म थी द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, उस फिल्म में मैंने उनके फैमिली मेंबर का रोल किया था। इसके अलावा 2-3 फिल्में हॉलीवुड की और है जिनमें मैंने काम किया। वाइस राय हाउस थी जिसमें मैंने फ्रीडम फाइटर का रोल किया था, और एक है पीछम हाउस जिसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी, रिलीज नहीं हुई है, और एक लॉइन लॉइन के नाम से रिकॉर्ड फिल्म थी। और आगे अभी प्रोसेस में जब सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल का सीक्वल बनने वाला है, उसमें भी मैं आगे काम कर कैरेक्टर रोल, ओनली कैरेक्टर रोल करता हूँ। और सपना जो मेरा है, देखिए वो तो ईश्वर के हाथ में है। फॉरेन के लोग, विदेश के लोग हिंदुस्तान में आते हैं, पिक्चरें शूट करके ले जाते हैं और ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं। आज तक अपने देश से कोई ऑस्कर नहीं मिला। क्या चल रहा है मॉडलिंग के अलावा और क्या क्या कर रही हैं आप? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, इस टाइम मैं एयरवेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और फैशन हेराल्ड जो एक मैगजीन है उसके साथ मेरा 1 ईयर बॉन्ड साइंड है एज इट्स ऑफिशियल मॉडल। एंड अभी उसके आगे नहीं सोचा है, बिकॉज अभी आई एम जस्ट लिमिटेड टू माई हाउस, माई फादर इज ऑन बेड, सो आई डोंट हैव एनी मोर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। जी, अगर कोई रोल की बात करी जाए, कोई मॉडल रोल की बात करी जाए, तो कौन सा रोल करना चाहेंगी? आई वुड प्रेफर नेगेटिव रोल, आई लाइक नेगेटिव रोल, माय आइडल इज उसमें फिट नहीं बैठती। हमने कहा ठीक है, वो तो डायरेक्टर और लोगों की नज़रों में वो किस चीज़ के लिए मुझे साइन करते हैं, बट बाकी ये है कि जिसके लिए भी मुझे साइन करा जाएगा आगे, एज ए रेडियो जॉकी, ये बहुत, जैसे आपने बताया पहले आप पत्रकार थे, उसके बाद फिर आप रेडियो जॉकी हैं, तो बहुत एक, मतलब बहुत टिपिकल सा काम है कि मतलब बहुत करंट में रहना पड़ता है, कब क्या हो, कैसे कैसे, तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है? काम आपका है, इसलिए शायद मुझे लगा इतना डिफिकल्ट मैं कर नहीं पाऊंगा, जैसे शायद लाइन चेंज कर ली मैंने, क्योंकि रेडियो जॉकी है, एज ए रेडियो जॉकी जो हम रियल लाइफ में होते हैं वही शो पर भी होते हैं, लेकिन आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बारिश हो धूप हो कहीं भागना पड़ता है। मैं भी भागा करता था, तो मुझे क्या बहुत मुश्किल काम है, शायद मैं इसके लिए नहीं बना, तो मैंने लाइन चेंज करी और मैं एंटरटेनमेंट में आ गया, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही मैं थिएटर किया करता था, तो जो एक्टिंग का एक शौक था या एक्टिंग का कीड़ा कह सकते हैं वो बरकरार था। फिर मौका मिला तो थिएटर करता रहा मैं काफ़ी टाइम तक। मेरा ब्रॉन एंड वाटर एमपी का है, मैं मध्य प्रदेश से, मेरे डैडी वहीं पर जॉब किया करते, फिर उनके रिटायरमेंट के बाद हम यूपी शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारा पैरेंटल यूपी का ही है, यहाँ से मेरा थिएटर और रेडियो का करियर शुरू हुआ बनारस से, और मैंने काफ़ी सारे थिएटर प्लेस करे हैं। उसके बाद रेडियो के ऑडिशंस आए और मैंने ऑडिशन दिया, और किसी एक में सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे में सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद से फिर रेडियो करियर शुरू हो गया। तो सुनिधि चौहान के साथ एक गीत गाया था फिल्म दिस वीकेंड के लिए, जो अभी सुना था, ओ मेरे माहिया, तो फिल्म This weekend.